हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, और होमी के भाभा हम लोगों के राइटर थे, पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट, और इनके की टर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ होमी के भाभा का कॉन्सेप्ट हाइब्रिडिटी। उसी के अंदर कल्चरल हाइब्रिडिटी आएगा और उसी के अंदर आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं थर्ड स्पेस के बारे में भी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हाइब्रिडिटी को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मैंने आगे ओवरव्यू के अंदर डेफिनेशन बताई थी, तो अब फिर सुन लें कि दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को मिला देना और एक नई चीज़ सामने आ जाए उससे, उनको मिलाने से उसको कहेंगे हाइब्रिडिटी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग टू डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर ईस्टर्न पीपल और वेस्टर्न पीपल, ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, इनके मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स हैं, दोनों की मुख्तलिफ़ लैंग्वेज है। इन दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो एक डिफरेंट कल्चर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांस कल्चर कहेंगे। ये ट्रांस कल्चर प्रोड्यूस कैसे हुआ? बाय क्लोनाइजेशन। और फिर इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप, ठीक है, और जो हम लोग कहेंगे जिसको हाइब्रिडिटी। अब हाइब्रिड सिचुएशन बनी क्लोनाइजर और क्लोनाइज्ड के रिलेशनशिप के बाद। फॉर एग्जांपल, ईस्टर्न गर्ल है और वेस्टर्न मैन है, इन दोनों के रिलेशनशिप से जो उनका बेबी हुआ वो बन गया ट्रांस कल्चर। अब इस बेबी को नहीं पता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो ईस्टर्न है या वेस्टर्न है। अब वो बेबी क्या करेगा? दोनों को फॉलो करेगा। तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। अब होमी के भाभा जो हैं, ये खुद भी हाइब्रिड थे। किस तरह? कि ये पैदा हुए इंडिया में और एजुकेशन हासिल की इंग्लैंड में। तो हाइब्रिडिटी को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। होमी के भाभा कहते हैं कि हाइब्रिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जो क्लोनाइजर और क्लोनाइज्ड के दोनों के म्यूचुअली शेयर ऑफ कल्चर की वजह से हम लोगों के सामने आई। क्लोनाइजेशन एक हमारी पास्ट हिस्ट्री है। ये हाइब्रिडिटी की अपीयरेंस न्यू कल्चर की फॉर्म में, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म, इसकी फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन हम लोगों को दिखेगी। कॉलोनियलिज्म पास्ट हिस्ट्री होने के बावजूद इसके हम लोगों के पास इफ़ेक्ट्स मिलते हैं प्रेजेंट के अंदर, जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। भाभा की जो बुक्स हैं लोकेशन ऑफ कल्चर, उन्होंने बताया कि हाइब्रिडिटी एक साइन है कॉलोनियल पावर की प्रोडक्टिविटी का, और ये टाइम टू टाइम एक अलग चीज़ में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है जो हमेशा बाकी रहेगी। होमी के भाभा कहते हैं कि कॉलोनियल हाइब्रिडिटी दो कल्चर्स, दो डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान जीन्स या आइडेंटिटी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इट इज़ दैट द डिफरेंस। मतलब के डिफरेंस कैसा? कि जो दो कल्चर्स के बीच में डिफरेंस है वो फिर कुछ टाइम के बाद आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाएगा। एक तरह की आइडेंटिटी जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी लॉस्ट हो जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी का, ये डिपेंड करता है दो फिक्स्ड और प्योर कल्चर पर, ठीक है। जो होमी के भाभा हैं वो इस आइडिया को भी नहीं मानते जो एडवर्ड सेड ने अपनी बुक में दिया था, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में, प्योर कल्चर का। वो कहते थे कि नो वन टुडे इज़ प्योरली वन थिंग। ये आगे लंबी सी कोटेशन है जिसका निचोड़ ये है कि ह्यूमन बीइंग्स अपनी आइडेंटिटी खुद बना लेंगे। ये एडवर्ड सेड का कॉन्सेप्ट था, जबकि होमी के भाभा कहते हैं कि नो, इन्होंने इस प्योर कल्चर के अगेंस्ट आइडिया दिया कल्चरल हाइब्रिडिटी का, कि हर चीज़ में मिक्सचर है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, हम अगर पाकिस्तानी हैं तो इंडियन मूवीज़ और इंग्लिश मूवीज़ देख के उन्हीं की तरह ड्रेसिंग और उन्हीं की लैंग्वेजेस हम लोग ऑटोमेटिकली बोलने लग जाते हैं, पर अपने कल्चर में रहते हुए, हम अपने कल्चर में रहते हुए उनको फॉलो करते हैं, और इस तरह चीज़ों का मिक्सचर बन जाता है और हम लोगों के कॉन्सेप्ट फिर इस तरह आगे मिक्स हो जाते हैं। और ये मिक्सचर बन जाता है चीज़ों का, यही कॉन्सेप्ट होमी के भाभा दे रहे हैं कि हर चीज़ में मिक्सचर है, कुछ भी प्योर नहीं है। भाभा की ये थीरी कल्चरल हाइब्रिडिटी की जब स्टडी किया गया तो पता चला कि कोई भी कल्चर फिक्स नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो रहा है। भाभा ने ये हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लोनाइजर और क्लोनाइज दोनों के लिए यूज़ किया, कि ना तो कोई प्योर इंडियनस है और ना ही कोई प्योर ब्रिटिशनेस है। क्यों? क्योंकि खुद वो इंडियन थे और वो उन्होंने इंग्लैंड से स्टडी किया और ख़ुद भी उन्होंने वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। तमाम कल्चर्स को हम मिक्सचर कहेंगे, जिसको रेफ़र किया भाभा ने हाइब्रिडिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। फिर कल्चरल आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन यू एंड अदर, बिटवीन क्लोनाइजर और क्लोनाइज्ड।
आइडेंटिटीज़ टू क्रिएट द न्यू सेल्फ। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यही है ना कि वो एक बंदे की पहचान बता सके कि हु दे आर और व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल दे आर या हाउ दे रिलेट टू अदर्स। अब जो ये इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसने एक डिलेमा क्रिएट कर दिया है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के लिए कि वो कौन से साइड पर जाएं, या तो वो अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी की तरफ जाएं जो न्यू वर्ल्ड में कहीं भी फिट नहीं हो रही, या वो वेस्टर्न के तौर तरीकों को फॉलो करें जिससे वो खुद अनजान है। अब नेचुरली ऐसी सोसाइटी खुद को डिवाइडेड देखेगी उन लोगों के बीच में जो लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं वेस्टर्न आइडेंटिटी को, और जो लोग रिजिस्ट भी कर रहे हैं। ये लोग वेस्टर्न आइडेंटिटीज़ में तो डिवाइड हो गए, साथ साथ जो इनका कल्चर था प्योर कल्चर, अगर उसको ये लोग फॉलो करें तो उसको प्योर रखना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इनको सोसाइटी खुद ही नहीं जीने देगी, वो कहेंगे ये तो पुराने ख्याल आते हैं। इन रिज़ल्ट ऐसे लोग फिर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हाइब्रिडिटी जो है ये क्रूशल एलिमेंट है जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने एक्सप्लोर किया है। अब जब स्टडी की राइटर्स ने तो मेजॉरिटी यही दिखा कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ की जो आइडेंटिटी है वो हाइब्रिड है, बिकॉज फैक्ट यही है कि वो लोग मल्टी कल्चरल पीपल बन चुके हैं और अपनी प्योर आइडेंटिटी को पाने की स्ट्रगल किसी हद तक उनकी इम्पॉसिबल बन चुकी है उनके लिए। अब भाभा आइडेंटिटी के बारे में कहते हैं कि ना ही ये प्योर है और ना ही अनचेंजिंग है, बट इट इज़ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। अब एक राइटर हैं डेविड, ये कहते हैं कि भाभा का कॉन्सेप्ट जो है कल्चरल हाइब्रिडिटी का, ये हमें यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं लेना चाहिए। उनका ख्याल है कि मुख्तलिफ कल्चर्स तो ऐसे हैं कि वो कोई प्री एग्जिस्टिंग नहीं थे, लेकिन जो हिस्टोरिकल चेंज आया स्पेसिफिकली कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, उसके इफ़ेक्ट में एग्जिस्टेंस हुई है ऐसे कल्चर्स की। तो इसलिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाभा का ये हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लोर किया जो कॉलोनियल कंडीशन बताती है आइडेंटिटी की भी और कल्चरल डिफरेंसेस की भी। अभी होमी के भाभा ने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई अदरनेस की, जो फ्रांस फैनन और उन्हीं की तरह और भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग रेफर कर रही है बाइनरी ऑपोजिशन की तरफ, बिटवीन वाइट और ब्लैक, बिटवीन क्लोनाइजर और क्लोनाइज्ड, क्योंकि क्लोनाइज्ड को कहा गया था अदर, ये डिस्कोर्स सेट किया गया था, तो ये ब्लैक और वाइट के बीच में एक तरह की बाइनरी सेपरेशन थी। इनका थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेट करता है कि दो ऑपोजिट कल्चर्स का मिलना वो है थर्ड स्पेस, और ये कहा गया कि हाइब्रिडिटी इटसेल्फ कि एक ऐसी स्पेस है जिसमें दो अलग कल्चर और आइडेंटिटीज़ मिक्स होकर एक अलग मीनिंग दें। तो ये होमी के भाभा का हाइब्रिडिटी का, कल्चरल हाइब्रिडिटी का, आइडेंटिटी का, ये सारा थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट था और उसी के अंदर सब कुछ फॉल कर रहा है, किसमें, हाइब्रिडिटी के अंदर। और जो इनकी बुक है, जो इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं उनके अंदर भी, और जो जितना भी इनका वर्क है, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे तो इनके की टर्म्स जो हैं इनको अगर आप समझ लेंगे तो आप लोग फिर बाकी चीज़ों को भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि इनका मेन फोकस कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के ऊपर था और फिर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म के ऊपर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।